राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख इन्होंने हिंगन घाट मामले में पीड़ित लड़की और उसके परिजन की भेंट दी। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि हिंगन घाट प्रकरण में आंध्र प्रदेश की तर्ज पर आरोपी को 21 दिन के भीतर सजा मिलेगी। साथ ही न्यायालय प्रकरण के लिए सरकार द्वारा पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की जाएगी। देशमुख मंगलवार की रात को पीड़िता को देखने के लिए ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा में बताया कि परिवार की मांग पर पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निकम को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। घटना कल घटी है, बहुत ही निंदनीय घटना है, उसका हम सभी लोग निषेध करते हैं। जो पीड़ित लड़की है उसको यहाँ पे अस्पताल में एडमिट किया गया है, ट्रीटमेंट चालू है। डॉक्टर साहब खास करके उनको हमने विनती किया, और बम्बई में आज वो काफ़ी बिजी थे, उनके दो तीन ऑपरेशन थे वहाँ पे, लेकिन हमने विनती करने के बाद में आज नागपुर में वो यहाँ पे आए, डॉक्टर से सलाह किया और जो लड़की है उसका पूरा इंस्पेक्शन उन्होंने किया और किस प्रकार से ट्रीटमेंट चालू रखना चाहिए उसके लिए उन्होंने यहाँ के जो हमारे डॉक्टर हैं उनको पूरा गाइड किया है। उस प्रकार से यहाँ पे ट्रीटमेंट चलेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि जो पीड़ित लड़की है जल्द से जल्द अच्छी होकर बाहर निकलना चाहिए। महाराष्ट्र शासन इसका पूरा खर्चा उठाएंगी और जो आरोपी है या आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ये केस हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे और ये चलाने के लिए उज्जवल निकम साहब उनको भी हम अपॉइंट करेंगे। इस अवसर पर देशमुख के साथ नेशनल बर्न सेंटर मुंबई के डॉक्टर सुनील केशवानी भी पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन युवावस्था होने की वजह से उम्मीद भी बनी हुई है। उसके फेफड़े अन्न नली का डैमेज हो गई है, आग भी खराब हो गई है। लगभग 40% बर्न्स है एंड बर्न्स डीप है और जो पार्ट्स इन्वॉल्वड है वो फेस है, होल बैक ऑफ द हेड है, फ्रंट ऑफ द हेड है, टॉप ऑफ द हेड, पूरा हेड फेस, नेक है, आगे का नेक है, थोड़ा पीछे से नेक का है, बैक हाफ ऑफ द बैक इज ऑल्सो इन्वॉल्व और बोथ अपर एक्सट्रीमिटीज, राइट अपर एक्सट्रीमिटीज ज़्यादा है, राइट हैंड, राइट फोर आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फोर आर्म भी इन्वॉल्व है। आँखों की कंडीशन नहीं बता सकते क्योंकि वो सूजन की वजह से आँखें बंद हैं, वो सूजन की वजह से बंद है और खुलने में 4-5 दिन लगते हैं। जब सूजन कम होती है आँखें खुलेंगी तब आई स्पेशलिस्ट देख के बताएं, तब तक जितनी आँखें खुलती है उसमें से आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट डाले जा रहे हैं। पेशेंट फुली कॉन्शियस है, रिस्पॉन्ड करती है, बात करने की पोजिशन में नहीं है क्योंकि ऐसे केसेस में जब पेट्रोल डाला जाता है पेशेंट डीप ब्रेथ लेता है और वो जो जलता हुआ हीट जो होता है अंदर फेफड़ों को जाके डैमेज कर देता है। फेफड़ों को कितना डैमेज हुआ है बताना बहुत मुश्किल है इस स्टेज पे, वो भी उसका डैमेज 4-5 दिन के बाद पता चलता है। फिलहाल ब्रीदिंग उसका कंफर्टेबल है, ऑक्सीजन मेंटेन कर रही है और यहाँ के डॉक्टर ने जो तुरंत यहाँ पे ट्रकिया जो बोलते हैं उसमें एक सुराख करके ट्रकियोस्टमी प्रोसीजर करके उसकी जान बचा ली है, नहीं तो और 1-2 घंटा लेट हो जाता तो पेशेंट ब्रीदिंग बंद हो जाती थी और ब्रीद नहीं कर पाती थी, तो वो बहुत अच्छा एक्शन लिया है। और जो जो चीज़ें ट्रीटमेंट चल रहा है वो जैसे चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।